हेलो स्टूडेंट्स नाउ टुडे क्लास एट इन मैथ सब्जेक्ट लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज एक्स इलेवन पॉइंट वन एंड इलेवन पॉइंट टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री सो फर्स्ट जो भी फॉर्मूला है वो आपको लर्न करनी है क्यूबोड की होगी ठीक है जो जो भी आती जाएगी वो मैं आपको कहूँगा आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखनी है एग्जाम्पल ईजी रहेगा सो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वन थिर आर टू क्यूबोइडल सेप्स क्यूबोडल बॉक्सेस एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर देखिए यहाँ पे दो फिगर है विच बॉक्स रिक्वेस्ट द लेजर अमाउंट ऑफ मटीरियल टू मेक अगर दोनों में हम मटेरियल से कवर करना है क्यूबोडल को तो किस में कम यूज़ करना पड़ेगा और किस में ज़्यादा तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोडल बॉक्स सो टू इंटब्रेकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अब यहाँ पे देखिए लेंथ क्या है सिक्सटी है ब्रेथ क्या है फोर्टी है और हाइट क्या है फिफ्टी क्या तो अब आप लोग अब आपको एल बी यहाँ पर एल बी बी एच और एच एल उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है और फिर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है ऐसे ही सेम यहाँ पे जो आपको तीन दिखाई दे रहे हैं ठीक है एल बी एच तो यहाँ पे भी उसकी एल बी एच की वैल्यू हमें लिख लेनी है और फिर हमें टोटल सरफेस ऑफ एरिया वो फाइंड आउट कर लेना है फिर दोनों में देख लेना है कि किसका ज़्यादा हमें टोटल एरिया मिला और किसका कम सो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा ठीक है कैलकुलेशन आपको खुद करनी है एक छुटके से उसमें ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दी गई है एटी फोर्टी एट ट्वेंटी फोर ठीक है एल बी एच सो टू बी कवर्ड विथ अ ट्रपुल क्लॉथ हाउ मेनी मीटर्स आर ट्रपुल विथ नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर हंड्रेड सच सुटकेस अब हमें यहाँ जो क्लोथ का मटेरियल दिया गया है वो 96 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड है अगर इसे हंड्रेड केस होगी तो हमें कितनी ज़रूर पड़ेगी ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम टोटल सरफेस ऑफ एरिया वो फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है टोटल सरफेस ऑफ एरिया एल बी एच और वो हम फॉर्मूला में लिखेंगे ठीक है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल सो यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा अब हमें क्या करना है कि हमें ट्रिपल इनक्लोज का एरिया है वो फाइंड आउट करना है अब जो सरफेस एरिया सूटकेस का होगा वही ट्रिपल इन का होगा ठीक है तो यहाँ पे हमें हाइट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ओनली सिर्फ हम क्या लिखेंगे एल इन बी क्योंकि टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए सो एल इन हमें आंसर में मिल जाएगा थर्टीन ओके वन वो ऑलरेडी हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे और 96 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 144 ओके okay? अब हमें क्वेश्चन में गई कि ऐसी हंड्रेड सूट के सो दो तो हम इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फोर फोर जीरो जीरो सेंटीमीटर सो हमें आंसर में मिल जाएगा वन फोर्टी फोर मीटर क्वेश्चन थर्ड फाइंड द साइड ऑफ क्यूब वूज सरफेस एरिया आई डी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें साइड ऑफ क्यूब है वो फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हियर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें क्या दिया गया है सिक्स हंड्रेड तो वो तो एज इट इज़ है लेकिन साइड वो कितनी होगी सिक्स होगी यानी हम लिखेंगे सिक्स एल स्क् सो एल हमें मिल जाएगा टेन सो वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी एग्जाम्पल क्वेश्चन फोर रक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ़ द कैबिनेट ऑफ मेजर अब देखिए यहाँ पे वन मीटर टू मीटर और वन पॉइंट फाइव मीटर उसकी साइज हमें यहाँ पे दी गई है वन मीटर टू मीटर वन पॉइंट फाइव मीटर हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट तो बॉटम में कितना मटेरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों निकलेंगे ठीक है अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमें कैबिनेट का सरफेस एरिया चाहिए तो जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ठीक है यानी टू इंटू वन वो हम लिखेंगे और जो बाकी का जो बचा है वो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा इसलिए हम टू के साथ लिखेंगे बी एच प्लस एच एल ओके सो यहाँ पे एल इंटू बी सो एल बी और एच के हम वैल्यू लिखेंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा सो so, और कुछ ज्यादा नहीं करना है क्वेश्चन फाइव डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स सेलिंग ऑफ अ क्यूबिटल होल विद द लेंथ ब्रेथ हाइट ठीक है वो हमें दी गई है फिफ्टीन टेन और सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कैन पेंट हंड्रेड मीटर स्क्वेयर ऑफ एरिया इज पेंटेड सो हाउ मैनी कैंस ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम अब यहाँ पर लेंथ क्या है फिफ्टीन मीटर ब्रेथ टेन एच सेवन तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस ऑफ एरिया जब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे जैसा ऊपर के एग्जाम्पल में किया था एल बी प्लस टू बी एच प्लस एच एल तो यहाँ पर वेल्यू इनपुट करेंगे तो हमें आंसर तो मिलेगा फाइव हंड्रेड कैलकुलेशन आपको करनी है खुद अब हमें रिक्वेस्ट के कि, कि हमें कितने कैंस की रिक्वायर है तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ होल और एरिया ऑफ वन कैन उसको हम डिवाइड कर देंगे सो so, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा फाइव कैंस ओके क्वेश्चन सिक्स डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स बिलो आर अलाइक

लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सिलेंडर की जो एरिया है वो सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे सो so, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा टू पाई आर एच ओके टू पाई आर एच सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा फिर है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फिर क्यूब का करना है तो क्यूब का क्या होगा फोर इंटू एल स्क् फोर एल वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा अब हम क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक रेडियस सेवन मीटर अब देखिए सबसे पहले आपको इसके जो फॉर्मूला है वो आपको रीड करने होंगे ठीक है मैं बताता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला करने हैं अब देखिए ऑलरेडी मैंने आपका जो पीडीएफ सेंड किए उसमें स्टार्टिंग में क्यूबोइड क्यूबॉइड क्यूब और सिलेंडर है सो so, आपको इसके जो जो भी फॉर्मूला है यहाँ आप सभी फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं तो वो फॉर्मूला आपको एक बार फिर लर्न कर लेना है ओके okay? और फिर यहाँ पे आगे भी आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे सिलेंडर और बेस वाले जो एग्जाम्पल हो गए तो आपको ये फॉर्मूला है सबसे पहले लर्न करना है सभी फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी तभी ये पॉसिबल है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू हमारी एक्सरसाइज सो यहाँ पे अ क्लोज सिलिंड्रिकल ट्रैंक ऑफ रेडियस सेवन मीटर एंड हाइट थ्री मीटर इज मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ मेटल हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड सो यहाँ पे आर क्या है सेवन है एच क्या है थ्री है सो सिलेंड्रिकल ट्रैंक होगी उसका फॉर्मूला हमें लिखना होगा टू पाई आर एच प्लस आर अब वैल्यू आपको इनपुट करनी आती है तो आप कैलकुलेशन है वो कर लीजिए आंसर है वो मिल जाएगा द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर अब एरिया ऑलरेडी दिया गया है कितना है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर एच और यहाँ पे हमें दी गई है फोर टू टू फोर सो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हाइट है वो थर्ट थर्टी थ्री है सो so, यहाँ पे जो एच है वो हम लिखेंगे थर्टी थ्री पाई लिखेंगे हम ट्वेंटी टू अपन सेवन और आर आर हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है रेडियस है वो फाइंड आउट करनी है सो so, सबसे पहले हम आर है वो फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है आर के बाद हमें लेंथ से वो फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट सो टू पाई आर फॉर्मूला होगी टू पाई आर सो यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपको लेंथ भी मिल जाएगी अब आपको पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करनी थी तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस को सम करना है ठीक है और आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नाइन है वो आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नाइन और टेन बोथ ठीक है फॉर्मूला वही एग्जांपल मैंने आपको ऊपर है वो लर्न कराया था सो आपको वो सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं और बुक में लिख लेने एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फोर गिवन सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम सो यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है और कहा गए है कि इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया इन द सेम सिचुएशन वॉल्यूम सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम? तो यहाँ पे वी फाइंड एरिया वेन अ रीजन कवर्ड अ बाउंड्री वो तो हमें पता ही है कि बाउंड्री को जब जब कवर नहीं करेंगे तब तक हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे ठीक है सो सच इज आउटर एंड इनर सर्वेस एरिया ऑफ सिलेंडर अ कोंस पीयर सर्फेस अ वॉल ऑफ और फ्लोर सो यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड सो उसका आंसर हमें मिलेगा वॉल्यूम नंबर ऑफ सीमेंट बेग्स आर रिक्वायर टू प्लास्टर इट तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सरफेस एरिया टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स कैन बी फील्ड विथ वाटर सो उसके लिए भी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन टू है डायमीटर अब एक का डायग्राम देखिए यहाँ पे डायमीटर क्या है सेवन सेंटीमीटर है डायरेक्टली फिगर में देखिए आप क्या है सेवन सेंटीमीटर हाइट क्या है फोर्टीन तो हम अगर यहाँ पे साइज सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी सेवन बाई टू ठीक है ये डन हो गया अब बी में भी वैसा ही करेंगे फोर्टीन सेंटीमीटर है तो फोर्टीन बाई टू तो हमें क्या मिलेगी रेडियस सेवन सेंटीमीटर ओके अब हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला हम लिखेंगे पाई आर स्क्वेर एच पाई आर स्क्वेर एच तो उसमें आर आर की और एच की वैल्यू है वो इनपुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सेम एज हमें बी में करना है और जब ये हो जाए तब हमें टोटल सर्विस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा सो टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर टू एच प्लस आर पाई आर टू एच प्लस आर सो हमें आंसर है वो मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर हमें अलग से बी का भी करना है तो बी का भी हम फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आपको एग्जाम में जिसका पूछा जाए उसका ही सिर्फ कैलकुलेट करना और किसी का नहीं ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबोर्ड वुज बेज एरिया वन से एट्टी सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्यूबोर्ड है वॉल्यूम और बेस इसकी दो डिटेल्स हमारे पास है तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड एल इंटू बी इंटू एच अब हमें ऑलरेडी बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हमें क्वेश्चन में वन एटी दिया गया है तो हमें एच है वो इजी से मिल जाएगी ठीक है क्वेश्चन फोर अ क्यूबर्ड इज़ अ डायमेंशन सिक्सटी फोर फिफ्टी फोर और थर्टी ठीक है तो ये हमारा एल बी एच हो गया ठीक है सिक्सटी फिफ्टी फोर थर्टी हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड सिक्स अब कोई क्यूब होगा तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स होगा और फिर हमें दोनों को ऊपर नीचे लिख के हमें सिर्फ कट करना है और हमें आंसर है वो मिल जाएगा ठीक है वेरी इजी एग्जांपल फाइन द हाइट ऑफ द सिलेंडर वॉज वॉल्यूम इज वन पॉइंट फिफ्टी फोर और डाया मीटर क्या है वन फोर्टी अगर डाया मीटर वन फोर्टी है तो रेडियस उसका हाफ मिल जाएगा सेवनटी सेंटीमीटर अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजिकल टू पाई आर स्क्वेर एच सो हम वहाँ पर वैल्यू इनपुट करेंगे वॉल्यूम ऑलरेडी गे वन है एच है वो हमें फाइंड आउट करना है तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा ठीक है कैलकुलेशन आपको खुद करनी है अगर कुछ में प्रॉब्लम है तो मुझे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हैं आप ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा अब यहाँ पे मिल्क टैंक है उसकी रेडियस क्या है वन पॉइंट फाइव लेंथ क्या है सेवन सेंटीमीटर सेवन मीटर फाइंड द क्वांटिटी क्वांटिटी मींस हमें उसका वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है सो हमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखना है पाई आर स्क्वेयर एच ठीक है पाई आर स्क्वेयर एच करेंगे तो हमें अपना आंसर है वो मिल जाएगा ओके क्वेश्चन सेवन हाउ मेनी टाइम्स इफ इच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड अगर क्यूब को डबल करें तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज तो उसका सरफेस एरिया वो कितना ज़्यादा होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्यूब का नॉर्मल नॉर्मल जो सरफेस एरिया वो क्या होता है सिक्स एल स्क्वेयर ठीक है अब उसको हम डबल करते हैं तो हमें वेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन तो सरफेस एरिया क्या होगा कि जो एल है उसको मल्टीप्लाई इंटू टू करेंगे सो so, टू को स्क्वायर क्या होगा फोर तो हमें यहाँ पे मिलेगा फोर इंटू सिक्स एल स्क् और सेकंड वन है वॉल्यूम तो वॉल्यूम को हमें क्या करना है इंक्रीज सो so, हम क्या करेंगे उसको वॉल्यूम को क्यूब करना होगा तो टू का क्यूब क्या होगा एट होगा तो उसका भी आंसर हमें एट टाइम से वो मिल जाएगा एंड लास्ट क्वेश्चन वाटर इज़ पोरिंग इन टू क्यूबड रिजर्वर एट द रेट एट सिक्सटी लीटर्स पर मिनट इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिज़र्वर इज़ वन जीरो एट मीटर क्यूब फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर सर यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें जब हम पोरिंग वाटर क्यूबोइल में हम डालेंगे तब हमें लिखना होगा सिक्सटी लीटर्स पर मिनिट सो so, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा सिक्सटी अपन वन थाउजेंड ओके सो सिक्सटी अपन वन थाउजेंड के हिसाब से अगर मिनट को आवर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें सिक्सटी को फिर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर फिर यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि इतना है तभी वन आवर लगता है तो एक मीटर क्यूब है उसमें कितना लगेगा ठीक है तो अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा ओके okay? और यहाँ पे थर्टी आवर्स है वो लगते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे फ्रेंड्स ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है ओके नेक्स्ट टाइम से हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप ये अपनी बुक में है वो लिख लीजिए और कहीं पर भी, भी सबसे पहले इस चैप्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको फॉर्मूला वो सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा सबसे पहले सभी फॉर्मूला आपको कन्फर्मली याद होनी चाहिए फिर आप कोई भी एग्जाम्पल है वो काउंट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी कैलकुलेशन में या प्रॉब्लम है तो मुझे लेक्चर में कह सकते हैं मैं आपको विथ कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करूँगा ठीक है ओके तो यहाँ पे हम रखते हैं नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ओके